दोस्तों, आप सभी कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा सीरियल ससुराल सिमर का 2 तो देख ही रहे होंगे, जहां आपको एक से बढ़कर एक कलाकार दिख रहे होंगे। साथ ही इस सीरियल में आपको दो जोड़ियां भी दिख रही होंगी, जिसमें एक जोड़ी है अविनाश मुखर्जी और राधिका मुथुकुमार की, जो कि इस सीरियल में आरव ओसवाल और सिमर ओसवाल का किरदार निभा रहे हैं। वहीं दूसरी जोड़ी है करण शर्मा और तान्या शर्मा की, जो शो में रीमा और विवान ओसवाल के किरदार में दिख रहे हैं, जिसके चलते दर्शकों को इनका नोकझोंक वाला प्यार और इन जोड़ियों की क्यूटनेस बहुत पसंद आ रही है। लेकिन दोस्तों, आप सभी इन जोड़ियों के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं इन दोनों जोड़ियों के बीच डिफरेंस कितना है और ये जोड़ी एक दूसरे से कितनी छोटे बड़े हैं? शायद ही जानते होंगे आप। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों जोड़ियों के बीच का एज डिफरेंस बताएंगे। अगर आप भी इन दोनों जोड़ियों के बीच के एज डिफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इन दोनों खूबसूरत जोड़ियों के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, अविनाश मुखर्जी और राधिका मुथुकुमार। सबसे पहले बात करते हैं अविनाश मुखर्जी और राधिका मुथुकुमार की, जो इस सीरियल में आरव ओसवाल और सिमर ओसवाल का किरदार निभा रहे हैं। इन दोनों के बीच बेमिसाल केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है। ये दोनों एक दूसरे से कभी शर्माते हुए नजर आते हैं, तो कभी एक दूसरे से प्यार करते। इनके इसी शर्मीलेपन की जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन दोनों के एज गैप की, तो बता दें जहां अविनाश मुखर्जी 24 साल के हैं, वहीं राधिका 30 साल की हैं, जिसके चलते इन दोनों के बीच 6 साल का एज डिफरेंस है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, पर इनकी जोड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 2, करण शर्मा और तान्या शर्मा। इस लिस्ट की दूसरी कड़ी में नाम है करण शर्मा और तान्या शर्मा का, जो इस सीरियल में रीमा नारायण और विवान ओसवाल की जोड़ी के रूप में दिख रहे हैं। आपको बता दें, विवान और रीमा के बीच नोकझोंक वाला प्यार और बेमिसाल केमिस्ट्री दिखती है, जो दर्शकों को बहुत पसंद है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों के बीच के एज डिफरेंस की, तो बता दें करण शर्मा 40 साल के हैं, तो वहीं तान्या 25 साल की। इन दोनों की जोड़ी के बीच में 15 साल का एज डिफरेंस है, जो कि थोड़ा ज्यादा है, पर इन दोनों की जोड़ी को देखकर नहीं लगता कि इन दोनों के बीच इतना एज गैप है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों जोड़ियों में से किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।